हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपी विश्वकर्मा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ चुके हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस कटोरी से हम आपके दो कटोरी पोहे ले लिए हैं। अब हमने एक मिक्सी जार ले लिया है और इसमें हम पोहे को डाल के पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पोहे डाल लेते हैं इसमें। तो ये हमारा सारा पोहा डाल के हो चुका है, अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोहा पीस चुका है अच्छे से। जितना हमें पाउडर बनाना है उतना हमने कर लिया है, बिल्कुल हमें ऐसे ही पाउडर बनाना है। तो ये तो पाउडर रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं कढ़ाई के इधर। तो हमने देखिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिया है और गरम होने के लिए रख दिया है। अब ये तेल डाल लिया है मैंने। इसके बाद हम थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम सरसों डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। तो ये हम तीन चीज़ डाल चुके हैं। तो इसको थोड़ी देर हम चटकने देंगे ऐसे ही। तो ये हमारा देखिए चटक के हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची कूट के लिया है हमने उसको। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे हल्का ब्राउन। तो ये हमारा डाल चुका है इसमें लहसुन मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो देखिए ये हमने इसको भून के लिया है अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम पानी डालने जा रहे हैं। हमें उसी कटोरी से पानी डालना है जिससे हमने पोहे लिए हैं। तो जितना हमने पोहे लिए थे उतना ही हमें इसमें पानी भी डालना है। तो आप लोग देख सकते हो एक कटोरी मैंने डाल लिया है, अब इसमें हम दूसरी कटोरी और डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा दो कटोरी माप के हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो हमें नमक एक ही बार में नहीं डालना है क्योंकि आगे भी हमें नमक डालना है, तो इसके लिए पहले थोड़ा ही डालेंगे। तो ये नमक डाल के हो चुका है, अब इसको हम ऐसे ही उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। तो जब हमारा उबाल आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो देख लीजिए ये उबाल आ चुका है। अब ये हमने जो पोहे का पाउडर बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी में। देखिए जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे इसको हमें बना लेना है। तो ये मत सोचिए कि इसमें पानी ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब इसमें सोख लेगा। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल हलवा के जैसे हो चुका है। तो ये हमारा बना के हो चुका है। अब इसको हम गैस बंद करके इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का शीत गर्म रहेगा उतने तक ही। फिर इसके बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको हम गूंद लेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ मसलने का। तो हमें ऐसे ही करना है और हमें थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करना है, कोई भी तेल ऐड कर सकते हो इसमें आप। तो इसको हम ऐड करके अब इसको हम आटे के जैसे गूंद लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा गूंद के हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है आटा। अब इसका हम छोटी छोटी गोली बना लेंगे। आपको जो शेप देना होगा वो दे सकते हो शेप। तो मैं गोली का शेप दे रही हूँ। तो सॉरी यहाँ का मेरा क्लिप उड़ चुका था तो मैं यहाँ का नहीं दिखा पाई गोली बनाया हुआ। तो देखिए ये कढ़ाई मैंने रख लिया है, इसमें तेल थोड़ा सा डाल के गरम कर लेंगे। और ये जीरा सरसों और कड़ी पत्ता इसका हम फिर से फ्राई के लिए डाल दिए हैं। तो ये अब हमारा चटकने तक हम इंतज़ार करते हैं। तो ये हमारा चटक के हो चुका है देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट इसमें भी बचा के रखा था उसको भी डाल दिया है।
और थोड़ा सा इसमें कांदा। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये मैंने कांदे को अभी हल्का ब्राउन तक भूनना है तो मैं भून ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर, तो ये टमाटर हमारा डल चुका है। अब इसको हम मेल्ट होने तक भून लेंगे। तो इसको हम पका लेते हैं थोड़ी देर, आपको दिखाते हैं फिर। तो ये देखिए हमारा टमाटर भी भून चुका है अच्छे से, इसको हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़ा सा नमक, इसमें ज़्यादा नहीं, हल्का ही नमक डालना है क्योंकि हमने आटे में भी डाला है, पोहे के आटे में। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, आप नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा लगेगा, वाइट कलर में आएगा, और हल्दी डालोगे तो ये येलो कलर में आएगा। तो इसके लिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो इसको थोड़ी सी हल्दी को पका लेंगे हम, क्योंकि हमें कच्चापन न लगे इसके लिए हम इसको पका लिए। ये देखिए हमारी हल्दी पक चुकी है। अब इसमें हम जो गोली बनाए थे आपको पहले नहीं दिखा पाए थे, तो देखिए हमने ऐसे इसका बना के शेप लिया है, कुछ लंबे बनाए हैं, कुछ गोल बनाए हैं। तो आपको भी ऐसे ही शेप बना लेना है, मैं आपको बना के दिखा नहीं पाई, उसका क्लिप उड़ गया मेरे में से। तो इसको अब हम ऐड करके ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा। वैसे टूटने का चांस नहीं है क्योंकि ये हमने पका के लिया है। और ये हम इसमें चाट मसाले डाल रहे हैं थोड़े से, तो आपको मालूम ही है चाट मसाले में भी थोड़ा मसाला रहता है, तो आप उसी हिसाब से सब में नमक डालना। तो ये देखिए हमारा हो चुका है पका के, देखिए गोली हमारी कितनी अच्छे से रेडी है, अंदर भी मसाला बाहर भी मसाला, और बहुत ही टेस्टी है। तो हम इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर लेंगे, और ऐड करके आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसी हमारी रेसिपी बनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और बहुत ही यमी और टेस्टी है। तो इसको मैं थोड़ा सा चख के आपको दिखाऊंगी। वाह कितनी अच्छी है, खाने में सच मानिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मेहमान भी सोचते रह जाएंगे कि हमने किस चीज़ का बनाया है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।